बैक अगेन विद न्यू गेम प्ले वीडियो ऑफ ओशन इज होम। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेम को खेले और इसमें गेम में हमने यहाँ पे हम रुके थे ओशन के अंदर एक लेक जैसी जो ऊपर से वहाँ से पानी गिर रहा है, और इसके बाद हमारी को एक भेड़िया मिल गया था। तो उस भेड़िए को हमने मारे क्योंकि रात का टाइम था और हम लेवल 3 में पहुँच गए हैं। हमने थोड़े ही काम किए और हमारा जो पूरा तरीके से पूरा बैग है वो फुल ऑफ हर चीज़ हो गया है। तो ये चीज़ हमें मिली है, ये चीज़ रख लेते हैं। थोड़े से स्टोन मिले हैं तभी तो उसको वहाँ ही रख देंगे, क्या हम उसको रख ही नहीं सकते ना, कहीं रख नहीं सकते तो हम उसको काम क्या है। और हमारे पास बॉटल रखी हुई है, बॉटल का भी हम कुछ कर नहीं सकते। चलो मैप में देखते हैं, मैप में हम सोच रहे हैं यहाँ पर चलें तो फिर ये साइड पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं इस बार। तो और हमारी थोड़ी सी इसलिए हमारी थोड़ी लाइफ कम है क्योंकि हमने उस फॉक्स को हमने मारे और कोशिश की है मारने की। यहाँ पे क्या क्या मिलता है देखते रहेंगे और जो चीज़ मिलेंगी हम उसको लेते लेते जाएंगे। वो क्या है, यही है क्या? हाँ यहाँ पे साथ हाउस है क्या? दूर से लग तो रहा है मैप। और भाई 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 ये कौन सा जानवर है? नहीं मैं इनको भी मार नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लाइफ खुद की लाइफ नहीं बची है, तो फिर मैं उनको मार के क्या बताऊंगा, मतलब क्या करना क्या चाहूंगा। बनाना मिल गया, रास्ते में जो जो चीज मिलते जा रही है मैं जो चीज ले रहा हूँ। कोई घर है तो पूरा मेरा, मतलब मेरे लिए घर बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें रोशनी भी कितनी अच्छी आ रही है। और ये गाड़ी, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब एक गराज जैसा है, हमें अपना खुद का घर बनाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं बेड बनाने, क्या बेड कितने बनेगा, बेड देखते हैं बेड बेड का क्या रहता है। और हमारे घर में ही जाके अब सेफ रहेंगे हम। तो अब सबसे पहले तो चाहते हैं क्राफ्टिंग में, क्राफ्ट में बेड कितने का बनेगा। स्टोरिंग बॉक्स, यही हम सोच तो पहले भी रहे थे, चलिए स्टोरिंग बॉक्स का भी देख लेंगे। अलमारी, भैया अलमारी बन जाएगी। बैठने के लिए चेयर है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। स्टोरिंग बॉक्स, स्टोर बॉक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी एक बार एक कोशिश करे थे हमने तो हमारी डेथ हो गई थी। उस डेथ की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ा था क्योंकि उस डेथ की वजह से हमारी सारी चीज़ चले गई थी। तो इसमें भी ऐसा ही है कि हमें अपनी स्टोरिंग बॉक्स में ही अपनी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और ये स्टोरिंग बॉक्स हो चुका है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। इसको हम रखें कैसे, बैग में कहाँ पर आया वो स्टोर बॉक्स? इसको हम थोड़ा सा इधर रख देते हैं, इधर इधर। थोड़ा और। हाँ सही है, अरे जंप नहीं रखना है, हो गया। सही है, हो गया। स्टोर बॉक्स खुलता कैसे? हाँ खुल गया। इसके अंदर हम सब कुछ रख सकते हैं, तो हम अपनी वो रख देते हैं ये वाला। अरे पूरा पैक रखना है हमें, फुल टू फुल रखना है हमें। बूटो इसमें भी बहुत सारा बनाना तो ही रखेंगे। स्टोन, स्टोन का कुछ काम लग सकता है, इसको रख देते हैं क्योंकि ये चीज़ अभी तो बहुत कम चीज़ आ रही है यार। सीधी से बात बोले तो हम मेडिकेट वाला रख लेते हैं, ये रख देते हैं ये रस्सी। अरे यार पूरी चीज़ आओ ना, टेक ऑल फिर निकालना हो तो टेक ऑल करा देंगे। इसको भी इसको कर देते हैं यहाँ पे। अरे अब हो चुका है अब तो सब कुछ, मतलब हमने आधी चीज़ तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो रख दी है यहाँ पे। अभी तो एक चीज़ इसको हम अपग्रेड भी नहीं कर सकते और कुछ चीज़ कर भी नहीं सकते, तो इसको हमें ये चीज़ मिली है नई चीज़ें, मतलब देखते हैं और क्या चीज़ बन पाएंगी। क्राफ्टिंग से हमारी क्राफ्टिंग तो हमारी अच्छी है ही वैसे भी, ये चीज़ है। तो फिर कैंप फायर बना सकते हैं हम, कैंप फायर की जरूरत तो नहीं है अभी। रोप बना सकते हैं भैया हम, रोप के लिए तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। चलिए रोप बना देते हैं, रोप इसका, और चलते हैं रोप क्राफ्ट कर लेते हैं हम। हमारे पास एक रोप वाला आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, हम रोप का भी काम कर पाएंगे। एक पूरी पूरी रोप है, इस रोप से देखते हैं हम इसको यूज़ क्या करेंगे, रोप का क्या काम आएगा हमारे पास। रोप हो गया, ये भी रोप से ही बनेगा, क्लोथ भी रोप से बनेंगे भैया।
तो हम बना लेते हैं ना, क्योंकि वो रोप हमें बहुत सारी चीज़ें मिली गई हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, हम वैसे बना ही लेते हैं और क्राफ्ट में जाते हैं, इसको भी बना लेते हैं। ये भी हो गया क्लोथ का, इसमें क्लोथ बना सकते हैं, मतलब ये सब बैग, बैग के लिए क्लोथ चाहिए ना, रस्सी चाहिए, बहुत सारी, बहुत सी प्लैंक क्राफ्ट कर देते हैं। चलिए वुडन प्लैंक बनाने के लिए, जैसे हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बन रहा है, और ये भी बन गया। यहाँ पे क्या है, बेड बनाने का, बेड का चाहिए, मैं सोच बेड चाहिए, तो इसके लिए रूम प्लैंक बहुत सारे चाहिए ना। चलिए प्लैंक और बना लेते हैं, सिर्फ सिंगल प्लैंक लगे बन रहा है, सिर्फ सिंगल प्लैंक, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे बन रहे होंगे, जितने बन रहे हैं वो देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हमने बैग में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, 4 प्लैंक बने हैं, अच्छी बात है। चलिए हमें एक बेड बनाना है, बेड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज स्लीपिंग हियर। ये टूटी फूटी इंग्लिश के साथ ही हमें चाहिए, 25 प्लैंक चाहिए, 25 प्लैंक, तो फिर 25, तो फिर अभी कितने हमारे पास बैग में, देखो अभी 4 प्लैंक है, और हमें चाहिए कितने, हमें प्लैंक चाहिए कितने, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें चाहिए प्लैंक। अरे पूछा प्लैंक ही क्या है, 175, मैंने गलत बोल दिया, 175 प्लैंक चाहिए मेरे को, चार से ज़्यादा बना नहीं सकता। और मैं चलो क्राफ्ट कर लेता हूँ उसको। क्या भाई बेड, बेड तो भाई सिंगल बेड बहुत ज़्यादा वुड लग चाहिए, और काटने के लिए हमारे पास कुछ है भी, हमें वुड कटर चाहिए पड़ेगा, इसके लिए हमें स्टोन मतलब लकड़ियाँ चाहिए, मतलब स्टोन वाला, तो अभी तो हम चलिए ऐसा करके ये काटने के लिए बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्राफ्ट, इसको भी हमें करना ही चाहिए। और इसके साथ देख लेते हैं, क्लोथ तो भी नहीं बनाएंगे हम, ये क्या है, बेल, बेल भी दी गई हमको, इसमें बहुत सारी चीज़ें, घर तो भैया औसम बनेगा इससे हमारा, ये तो जा, ओ चकाम का सब कुछ है इसमें, मतलब पेट्रोल वाला देखना है सिर्फ, ये तो बन गया। बहुत सारा है वर्क बेड, हमें ये नहीं बनाना, हमें सिर्फ एक बेड बनाना है, वो भी इतना बड़ा, उसके लिए हमें लकड़ी काटने जाना है। अब आज हम लकड़ी काटने जाएंगे, पहली बार कि हमें अपना घर बार सब कुछ मिल चुका है, तो हमें अब करना ही पड़ेगा काम वाम। तो हमने एक चीज़ देखी कि हमें एक और, हम इसे स्टोर बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि स्टोर बॉक्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर सेविंग आवर गेम एंड ऑल डैट। तो स्टोर बॉक्स हमारा 50 प्लैंक का बनता है, मतलब 50 वुड का बनता है, सॉरी, तो वुड के लिए हमें बैग में जाना पड़ेगा, बैग में वुड है कि नहीं, वुड नहीं है, वुड में खोलना पड़ेगा, वुड है ही नहीं हमारे पास, क्या बताएं, वुड चलिए इसको पूरा यहाँ ही लेके चलते हैं, 50 की 50 हो जाए तो हो जाए, इसको भी यहाँ, अरे पूरी तरीके से जाऊँ ना इधर, प्लैंक को यहाँ कर देते हैं, अरे यार स्प्लिट हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं पेड़ काटने के लिए, आज की सुबह सुबह में हम जाएंगे पेड़ काटने के लिए। और अब जैसे अब हमारे पास पूरा पूरा वुड हो चुका है, तो भी चलते हैं और 2 स्टोर बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आ गए हम, क्राफ्टिंग में जाते हैं और स्टोर बॉक्स 2 कर लेते हैं ऑर्डर, टाइम मानते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी क्या करें, अब थोड़ा सा देखिए, अब हमारे घर के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हमें पेड़ काटना पड़ेगा एक यार, बहुत सारी चीज़ें, हमें क्लोथ भी बनाने अपने लिए, और हमें अपने घर में पूरा सामान बनाना पड़ेगा, तो हमें दिक्कत दिक्कत ना आए, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है, जैसे जैसे हम और अच्छे आदमी बनते जाएंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बुलेट बुलेट, हम गन भी चला पाएंगे, और उस गन के वजह से हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, और गन में ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। चलिए इसे स्टोर बॉक्स को बनने देते हैं,
सर ये दो स्टोर बॉक्स हमारे बन गए, और ये कहाँ रखे हैं वही देखना है। एक दोनों स्टोर बॉक्स यहाँ ही रखे हैं हमारे, इसको प्लांट कर देते हैं, एक के ऊपर एक कर दें। नहीं, एक के ऊपर एक कोई अच्छी बात नहीं हो जाएगी। ऐसे ही रख देते हैं या एक साइड रख देते हैं, एक साइड नहीं, एक साइड भी नहीं रख सकते, यहाँ रख देते हैं। हो गया, दोनों के एक बीच रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। चलिए अभी इसमें सारा सामान रखते जाते हैं हम, जैसे जैसे हम चीज़ें करेंगे तब तब। बॉटल का पानी अभी पी ले, इसको यहाँ रख देते हैं। बनाना नहीं, बनाना का तो यूज़ करना चाहिए हमें। स्टोन पूरा तरीके से स्टोन यहाँ पे, इसको यहाँ पे, रोप यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, कपड़े वाला यहाँ पे, ये वाली रस्सियों का हम रोप बना देते हैं हम सोच रहे हैं। प्लैंक, प्लैंक का देखते हैं अभी, प्लैंक को पूरे तरीके से यहाँ रख देते हैं हम, रोप बना लेते हैं सबसे पहले तो। जितनी भी रोप बन जाए, चलिए 6 रोप बन सकती है तो 6 रोप बना लेंगे अभी हम। क्राफ्टिंग होता रहता है, रोप बन जाएंगी थोड़ी देर में तो हमारा फायदा ही होने वाला है। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम 6 रोप आ गई हैं तो इसमें तो मतलब, तो इसमें बहुत सारी चीज़ भी आ सकती है। जैसे 6 रोप आ रही है मतलब में 30 रोप आ जाएंगी हमारी एक ही में। और इसको खोलते हैं और इसमें भी हमारा सारा सामान पूरा एक बार में जाओ ना। जैसे हमने सब कुछ को रख दिया और हमारे स्टोर बॉक्स, जैसे आपने देखा हमने अपना हमारा पूरा ये जो घर है वो कितना अच्छा दिख रहा है हमारी गाड़ी के साथ। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।